अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई, मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखेगा कोर्ट, मध्यस्थता कारगर नहीं हुई तो रोजाना होगी सुनवाई। दिल्ली में आरएसएस का गुरुदक्षिणा कार्यक्रम आज होगा आयोजन, कार्यक्रम के संघ से जुड़े सांसद और मंत्री करेंगे शिरकत, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। एलडीए और आवास विकास में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हुए सीएम योगी, एलडीए और आवास विकास की गुणवत्ता की जांच के लिए सीएम ने दिया आदेश, मुख्य सचिव और कमिश्नर से सभी योजनाओं की मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड कैबिनेट में 12 प्रस्ताव मंजूर, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग में संविदा मानदेय शिक्षकों का वेतन बढ़ाने को मिली मंजूरी, सचिवालय स्तर पर चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के एकीकरण को भी मंजूरी। कानपुर में 6 लोगों के एक युवक पर लाठी डंडों से जमकर पीटा, युवक को बचाने के लिए सिपाही ने हमलावरों पर जमकर भांजी लाठियां। लखनऊ में दबंगों ने कार युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती, मामले नामजद एफआईआर कराई गई दर्ज। बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके से डबल मर्डर की खबर आई सामने, दरअसल यहां अज्ञात बदमाशों ने एक दंपति की बड़ी रहमी से पिटाई कर दी और हत्या कर दी। रायबरेली में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस किया बरामद, रेलवे स्टेशन के पास से हुई मुठभेड़। उन्नाव में किशोरी की धारदार हत्या से हथियार से हत्या, गांव के बाहर खेत में मिला शव, माखी इलाके के बलार देव की घटना। मेरठ में घर में चोरी कर रहे बदमाशों ने ग्रामीणों को घेरा, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़।